वेलकम स्टूडेंट, नाउ आवर टॉपिक इज़ हाउ डू चेंज इन वेदर अकर। किस प्रकार से किसी जगह का वेदर मौसम परिवर्तन होता है, ठीक है। सो एनी चेंज इन द वेदर ऑफ अ प्लेस ऑन द अर्थ इज़ बिकॉज ऑफ सन विच रेडिएट लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट एनर्जी ऑन अर्थ। सबसे पहले तो सन पे डिपेंड करता है भाई, कितनी अमाउंट ऑफ हीट है ना वो रेडिएट कर रहा है, मतलब दे रहा है, अर्थ तक पहुंच रही है उसकी। अगर ज़्यादा ब्राइट है तो हीट गर्मी हो जाएगी, है ना। और अगर वो लाइट एनर्जी दे रहा है, मतलब कम अमाउंट ऑफ हीट भेज रहा है, तो अर्थ पे थोड़ा, है ना, आपके हीट नहीं रहेगी और, है ना, हमें एक प्लेजेंट सा क्लाइमेट लगेगा। सो द इंफॉर्मेशन ऑफ विंड, द फिनोमिना ऑफ रेनफॉल एंड द चेंज इन सीजन ऑल अकर बिकॉज ऑफ द सन। अब आपके देखो ये बोल रहे हैं, जो विंड फॉर्मेशन होता है, हवाएं जो होती है, गर्म हवाएं, ठंडी हवाएं, या आपके रेनफॉल है, या ऑल जितने भी सीजन है, विंटर है, समर है, ये सिर्फ किस पे आपके डिपेंड करते हैं, सन पे डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट है, व्हाई डे आर शॉर्टर इन द विंटर सीजन। विंटर सीजन में दिन छोटा क्यों होता है? तो देखो, वी नो दैट द अर्थ स्पिन ऑन द एक्सिस ऑफ इट्स, है ना, ओन अराउंड द सन। अपनी एक्सिस पे घूमती है, अपनी धुरी पे घूमती है, लेकिन किसके अराउंड घूमती है? सन के अराउंड। हैंस द अमाउंट ऑफ सनलाइट अ प्लेस रिसीव वेरियस थ्रू आउट द ईयर एज इट पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू द सन। जिस तरह से पोजिशन चेंज होगी, क्योंकि अर्थ क्या कर रही है, स्पिन कर रही है, तो उसकी पोजिशन सन के रिस्पेक्ट में जैसे जैसे चेंज होगी, उस अकॉर्डिंगली उस जगह का वैसा क्लाइमेट हो जाएगा आपका, ठीक है, बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ। दिस ऑल्सो लीड टू चेंज इन द सीजन ऑफ अ प्लेस। तो ये जो रोटेशन होता है ना, अब अर्थ की पोजिशन चेंज हो रही है, ठीक है, तो सनलाइट भी अलग अलग जगहों को अलग अलग मिल रही है, जैसे किसी जगह ब्राइट, किसी जगह लाइट। तो इस स्पिनिंग के कारण से, इस रोटेशन के कारण से सीजन भी आपका क्या होता है, उस प्लेस का चेंज हो जाता है। इन द समर सीजन द पोजिशन ऑफ द प्लेस इज क्लोजर टू द सन। जब समर सीजन आता है ना, वो क्यों इतनी गर्मी बढ़ जाती है, क्योंकि वो जिस जगह पर समर सीजन हो रहा है, उस जगह की जो आपकी पोजिशन होती है, वो बिल्कुल सन के पास हो जाती है, है ना, क्लोजर हो जाती है। हैंस इट रिसीव सनलाइट फॉर लॉन्गर आवर्स। तो उसको ज़्यादा समय तक, ज़्यादा घंटे आपके क्या होता है, सनलाइट रिसीव होती है। इस कारण से उस जगह का क्लाइमेट, उस जगह का वेदर, है ना, वो कैसा गर्म सा होने लग जाता है। वाइल इन द विंटर सीजन द पोजिशन ऑफ द प्लेस इज फादर टू द सन, दूर होती है। विंटर सीजन में सन से उसकी पोजिशन दूर होती है, और इसलिए वो थोड़ी सी सनलाइट ही रिसीव कर पाता है, और कुछ समय के लिए ही रिसीव कर पाता है, इसलिए थोड़ा क्लाइमेट कैसा हो जाता है आपका, ठंडा हो जाता है। ये आपको चेंज इन सीजन का डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। स्प्रिंग इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर, ऑटम इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। देखो ये आपको बता रहा है, अगर नॉर्थन हेमिस्फीयर में स्प्रिंग का सीजन है, तो ऑटम कहाँ होगा? साउथर्न हेमिस्फीयर में होगा, ठीक है। अगर नॉर्थन हेमिस्फीयर में समर है, तो विंटर कहाँ होगी? मतलब बिल्कुल अपोजिट हो गया, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो इनकी पोजिशन सन के रिस्पेक्ट में, है ना, अपोजिट ही होगी। विंटर इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, समर इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। देखो अब आपको बता रहा है, अगर ये राइट साइड में आपको शो किया है, देखो आपको बता देता हूँ मैं, ये हम इसकी बात कर रहे हैं, पहले हमने इसकी बात करी, ठीक है। अभी आप देख रहे हैं नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में क्लोज है सन के, ठीक है। फिर ये सेकेंड डायग्राम दिया हुआ है, थोड़ा सा फार अवे हुआ है, ओके। फिर ऑटम इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, स्प्रिंग इन द साउथर्न हेमिस्फीयर, बिल्कुल अपोजिट सीजन हो रहा है। देखो इसमें अपोजिट था, इसमें अपोजिट है, इसमें अपोजिट है, और इसमें बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है। ये डिपेंड करेगा सन से उसकी पोजीशन पे, सन से किसी भी जगह की पोजीशन पे ये डिपेंड करेगा। नेक्स्ट टॉपिक क्लाइमेट हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं स्टूडेंट। थैंक यू।